रुको 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 भाई, क्या हुआ? साले ने मुंह में गुलाल डाल लिया। साले मुंह में गुलाल क्यों डाल दिया? होली है साले, सुसुंदर की शक्ल के होली है, इसका मतलब कहीं भी रंग डाल देगा। पुराना मानना होली है। पांक, पांक। ये देखो अभिजीत, ये देखो, जरूर यहाँ पे किसी का खून हुआ है। नहीं सर, ये कोई खून वगैरह नहीं है, शायद यहाँ बच्चों ने होली खेली है। इसका मतलब समझा विजय, खूनी बहुत ही शातिर है, उसने खून करके वहाँ पे गुलाल बिखेर दिया है। हाँ सर, ऐसा ही है। कौन था अभिजीत? हाँ सर। सारे केस क्लोज कर दो, सबसे पहले ये पता लगाओ कि एसीपी पर गुब्बारा किसने फेंका, ताकि उसको भी पता चले कि एसीपी पर गुब्बारा फेंकने का नतीजा क्या होता है। हाँ सर। अभिजीत? हाँ सर। मुझे तो ये बहुत ही बड़ी होली खेलने वाला गैंग लग रही है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जल्दी से दया को कॉल करो और उसे इसी वक्त यहाँ पे बुलाओ। हेलो दया, वीडियो की पीछे वाली गली के सामने वाले मकान के पीछे वाले गार्डन में जल्दी आ जा। क्या हुआ अभिजीत? आ रहा है सर। अभिजीत पता करो पीछे से आया गुब्बारा कितनी स्पीड में था। सर लगा तो आपको भी था, आपको तो पता ही होगा। हाँ अभिजीत, मुझे तो 120 की स्पीड में लगा था शायद। सर मुझे तो अभी तक तो ही आई हुई है। कोई बात नहीं अभिजीत, कोई बात नहीं, अपराधी हम बहुत ही जल्द पकड़ लेंगे। वैसे दया अभी तक नहीं है, कॉल करो उसको। हाँ ठीक है हम आते। क्या हुआ दया को? सर वो किसी गेट में फंस गया है। क्या बोल रहा है? गेट नहीं टूट रहा है। ओ माई गॉड, इसका मतलब समझा अभिजीत, वो हाथी कहीं फंस गया है। चलो कहाँ पर है दया? सर दया ने तो उसी गेट का बोला था। माय गॉड, दया ये तुम क्या कर रहे हो? सर आप आ गए? दया सर आप अभी 2 मिनट रुकिए, हम गेट तोड़ के अंदर घुसते हैं। पांक, पांक। दया गेट तोड़ने की जरूरत नहीं है, गेट उधर दूसरा पड़ा उसमें भी आ सकते हो, वैसे तुम तो इस गेट के नीचे से भी आ सकते हो। सॉरी सॉरी सर, अब नीचे से चलते हैं। सर तेरे को सीआईडी में भर्ती किसने किया? सर मेरे चाचा विधायक है, विधायक। सारे तुझे ये गेट नहीं दिख रहा ये है? इस गेट के अंदर से भी आ सकते हैं, उस गेट को तोड़ने क्या जरूरत है? जल्दी करो। पता करो कि आखिर हमारे को गुब्बारा किसने मारा? हाँ सर कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी सॉरी सर। सर वो आदमी घूम रहा है, उससे पूछते हैं, क्या पता कुछ सबूत मिल जाए। हाँ पूछ। देखो एक मिनट, बात करनी है। कुछ केस के सिलसिले में बात करनी थी आपसे। आपने या किसी आदमी या किसी गैंग को देखा होली खेलते हुए? आ, 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 आ। लगता है बेचारा गूंगा है। हाँ मुझे भी लग रहा है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। कुछ पता लगा? नहीं सर, वो गूंगा था। कोई बात नहीं, यहाँ पे सबूत इकट्ठे करो। माफ Thank you.
वहाँ जाके खड़े हो जाओ जहाँ पे हम खड़े थे। यहाँ से अभिजीत पत्थर मार के ट्राई करता है कि हमें किस एंगल से गुब्बारा लगा था और कितनी स्पीड से लगा था। जाओ वहाँ पे खड़े हो जाओ। पंक 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 सर, जो अपराधी ने आपके ऊपर गुब्बारा मारा था उसकी स्पीड 140 की थी। अच्छा, तो दरअसल से 45 डिग्री ऊपर की ओर से आया था। अच्छा, तो तकरीबन 50 मीटर के दायरे के अंदर ही रहा होगा। ओ, इसका मतलब समझे दया, अपराधी ने हम पर हवा में वार किया है। अभिजीत। हाँ सर। वो मुजलिम मुझे गांव का लगता है जो इतनी कड़कती धूप में होली खेलने की हिम्मत रखता है, इसीलिए जल्दी से जल्दी जाओ और ढूंढो उसे। अब मुझे जिंदा सही है अभी के अभी। इतनी भी जल्दी क्या है भागने की? वैसे भाग भी कौन रहा है? सर सर इधर आइए, अपराधी मिल गया है। कहाँ है? सर वो रहा। ओह माय गॉड, यहाँ सब के बैठे हो? नीचे उतरो। मैं बोलता हूँ नीचे उतरो। अभिजीत नीचे उतारो इसको। नीचे उतर जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। हाँ उतरता हूँ। तो बताओ तुमने ये जुल्म क्यों किया? साहब मैं क्या करूं, मेरे साथ कोई होली नहीं खेलता है। मैंने आपको अकेला देखा और मौके का फायदा उठाकर आपको दोबारा देखा। गलत किया तुमने। तुम्हें पता भी है सीआईडी के कपड़ा पर रंग फेंकने का नतीजा क्या होता है? इसका कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। साहब रहम करो, बीवी बच्चे वाला आदमी हूं। नहीं तुम्हें तो बवासीर होगा, बवासीर नहीं फांसी होगी, फांसी तुम्हें तो। बोलो जुबा केसरी, जुबा केसरी। साले सस्ते नशेड़ी, तेरे पास रंग नहीं है क्या? मैं ना सस्ते रंग यूज नहीं करता, मेरे लगाए हुए रंग है ना जिंदगी भर नहीं जाएगा। बोलो जुबा केसरी, जुबा केसरी। अबे जाइए यहाँ से, हमें कोई होली वाली नहीं खेलनी। जाओ यहाँ से। अरे थोड़ा और लगा लो, थोड़ा। जा रहे हो यहाँ? जा रहे जा रहे जा रहे जा। पंक सिया हो साले। ए मैं बोल रहा हूँ मेरे को रंग मत लगाना। नहीं लगाएंगे। देखिए मैं बोल रहा हूँ मेरे को रंग मत लगाना। हाँ भाई नहीं लगाएंगे। देखिए मेरे को रंग लगाने का अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे भाई लगा भी कौन रहा है? देखिए मेरे देवताओं की मनाई है, मेरे को रंग मत लगाना, नहीं तो ये दुनिया पूरी उत्तर पतल हो जाएगी और एक मिनट में मिट जाएगी पूरी। मेरे को रंग लगाने पर भगवान रूठ जाएंगे, हवा रुक जाएगी, समुद्र थम जाएगा, सूर्य फट जाएगा और तारे जमीन से टकरा कर टूट जाएंगे और चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। और क्या, लास्ट बार बोल रहा हूँ मेरे को रंग मत लगाना। और हम भी आपको लास्ट बार बोल रहे हैं, आपको रंग नहीं लगेंगे, आप जा सकते हैं यहाँ से। मेरे को रंग मत लगाना। पकड़ो, साले मैं फेंक के आते।